जब भी हम पास को याद कर रहे हैं, पास के किसी भी अच्छे एक्सपीरियंसेस को आप याद कर रहे हो, तो समझ जाओ कि अभी जो आपकी लाइफ है वो सड़ी गली है, नहीं तो जरूरत नहीं है। अगर अभी लाइफ बढ़िया होती है तो कभी याद करते हो क्या पास को? वो याद आता है? नहीं आता है। तो लाइफ ऐसी होनी चाहिए। अब ऐसी कैसे हो? इन बातों को बस आराम से समझते चले जाना है और कुछ करना नहीं। ये नहीं पूछना है कि क्या होगा कैसे होगा। जब कुछ समझ आ जाता है तो अपने आप ही नजर बदल जाती है। एक बंदा है उसके बारे में हम सोच रहे थे तो बहुत अच्छा है, धर्मात्मा है, ये है वो है, बाद में पता लगा नहीं ये तो फ्रॉड है, ये चोर है। तो क्या बदला? सिर्फ समझ ही तो बदली ना। समझ बदलने से क्या हुआ? सब कुछ ही बदल गया। कुछ भी सेम रहेगा उसके बाद में? आपकी नजर उसको देखने की बदल जाएगी, आपके एक्शंस बदल जाएंगे, सब कुछ ही बदल जाएगा। किस लेवल पे हमको काम करना है? समझ के लेवल, आराम से समझना है। क्योंकि ये किसकी बात मैं यहां पर कर रहा हूं, कोई थ्योरेटिकल बातें नहीं कर रहा हूं, आपकी लाइफ का जो एक्सपीरियंस है उसकी बातें कर रहा हूं। या तो मैं किसी थ्योरी की बात कर रहा होता तो वो बोरिंग होती, मेरे हिसाब से इससे इंटरेस्टिंग और कुछ भी नहीं है। वो बात कर रहा हूं जो मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं क्या बोलने वाला हूं, अभी देख रहा हूं और अभी बोल रहा हूं। मतलब जो मैं बोल रहा हूं वो फ्रेश है, वो नया है। लेकिन आप क्या कर रहे हो? अपने माइंड में बार बार उसको कनेक्ट कर रहे हो किसी ना किसी से, उसको पुराना कर रहे हो। कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? पिछले किसी सेशन से कनेक्ट कर रहे हो, हाँ ये तो बात उधर भी बोली थी। हाँ मतलब आप क्या कर रहे हो? उसको पुराना करते चले जा रहे हो जबकि वो नया है। तो नए को तो आप देख ही नहीं रहे। पति पत्नी में क्या होता है? एक स्टेज के बाद में जाकर के बहुत ही बोरिंग हो जाता है, वो ही सेम बातें। मतलब पता है कि अगर यहां से उसने ये बोला तो यहां से यही रिस्पॉन्स आएगा और कुछ आ ही नहीं सकता। दे कांट बी एनीथिंग न्यू इन दैट। कुछ भी नया नहीं है, फ्रेशनेस नहीं है। फ्रेशनेस क्या है कि अगर आप देख रहे हो अपनी वाइफ को 20 साल बाद में तो नयापन है। एक्चुअल में वो नई है, पुरानी वाली मर चुकी है। पुरानी वाली की कोई जरूरत नहीं क्योंकि वो मर चुकी है, उसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि वो मर चुकी है। अभी जो जिंदा है अगर उसको हम देखें विद फैसिनेशन, जैसे कि उसको पहली बार देख रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल में पहली बार देख रहे हैं, इस चीज को समझ पाना ही बहुत है। ये बोलना कि ये टफ है ये प्रॉब्लम है, एक्चुअल में कुछ भी टफ नहीं है। आप माइंड तो नहीं कर रहे ना, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं मतलब सबकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपने बोला है लेकिन सबके माइंड में आता है। क्योंकि मेरी बातें समझ नहीं आती, जैसे मैं थोड़ा सा भी डीपर लेवल पे जाता हूँ, सर ये क्या बोल रहे हो, ये आप मोटिवेट करते रहो आप ना, वो बड़े वाले सेमिनार्स करो, आता है ना माइंड में, इसमें मजा नहीं आता है बैठ करके, क्या वो एनर्जी नहीं मिलती है। तो आप ना वो करो, मतलब कहीं पर किसी स्टेडियम में जहां पर हजारों लोग बैठे हो तो पहले कहता उससे भी बड़ा करो, तो आप वही जी रहे हो। अरे वो संदीप महेश्वरी मर चुका है, क्यों उस लाश को उठा करके अपने दिमाग में चल रहे हैं? उसके साथ आप जुड़ोगे तो खुद मर जाओगे, जो जिंदा है उसको नहीं देख पाओगे। कुछ भी पुराना है नहीं, पुराना हो नहीं सकता है, ये संदीप महेश्वरी पुराना हो नहीं सकता है, बस आप अपने माइंड में इसको पुराना कर रहे हैं। और पुराना करते ही क्या होता है, आप खुद फंसते हो। मैं नहीं फंसता हूं, मैं तो नया था, नया हूं, नया ही रहने वाला हूं। मैं कब पुराना हो जाऊंगा? जब मैं आपके हिसाब से चलने लग जाऊंगा। समझ गए? एक बंदर का आपने डांस देखा, उसको गुलाटी मारते हुए आप कहोगे मुझे यही वाली गुलाटी पसंद है, तू तो बस यही करता है। तो आप इस बंदर से ये चाहते हो कि वो उसी तरह से गुलाटी मारता रहे जिस गुलाटी को पहली बार देखने में आपको बड़ा मजा आया था। लेकिन ये बंदर क्या है? ये बंदा हुआ ही नहीं है। खेल का मतलब क्या है? नया फ्रेश। बैडमिंटन खेलते हो आप में से कोई? मैं बहुत खेला हूं, अभी भी खेलता हूं। सेम कोर्ट है, सेम नेट है, सेम रैकेट है, सेम शटल है, मान लो सामने सेम प्लेयर है, कभी भी सेम होता है गेम? दो गेम सेम होते हैं? सेम हो सकते हैं? इम्पॉसिबल। सेम जगह से शटल आ नहीं सकती है। अगर यहां पर आई है तो आपको अलग तरह से ड्रॉप करना है, यहां पे आई है तो अलग स्मैश मारना है, तो अलग तरह से मारना है, अलग एंगल से जा रहा है, अलग जगह पे जा रहा है, अलग प्लेसमेंट हो रही है, अलग सब कुछ हो रहा है, तो सेम हो ही नहीं सकता है। ऐसी तो लाइफ है, इट कैन नेवर बी सेम। सब कुछ नया है, फ्रेश, फैसिनेटिंग है, अमेजिंग है। लाइफ एक्चुअल में आपके लिए वैसी है जैसी एक्चुअल में लाइफ है। अब वो लग रहा है ये सब कुछ पुराना है, कुछ भी पुराना नहीं है, सब कुछ नया है।